व्यू चेक करें। एक बात बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, अभी दो दिन पहले यहाँ पर ना एक हाई रूफ गाड़ी थी तो उसका एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी घूमने फिरने वाले हजरात आते हैं, टूर्स वाले आते हैं, टूर ऑपरेटर आते हैं, जितने भी हैं वो अगर यहाँ पे आते हैं तो ना बाकियों को भी एक चीज़ समझाएं और ख़ुद भी ड्राइव करते हुए एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि यहाँ पर आप ना रेस लगाने नहीं आ रहे, यहाँ पर बहुत ख़तरनाक किस्म के टर्न हैं, बड़े मोड़ हैं, आप उनका ख्याल रखें। तो दो दिन पहले हुआ यह है कि एक गाड़ी उस बेचारे से ब्रेक नहीं लगी या फिर उसने एक दूसरे को ओवरटेक किया है, इसके में तीन चार स्टोरीज़ हैं। कोई कहता है कि उसको तंग कर रहा था, उसको कट मार रहा था तो उसने कट मारने की कोशिश की और वो खाई से नीचे गिर गई, और कोई कहता है कि उसके सामने गाड़ी आ गई, उससे ब्रेक नहीं लगी। खैर अब हुआ यह कि वो गाड़ी फुल नीचे गिरी है, अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पर दो बंदों की तो टाइम पर डेथ होगी उसी वक्त। तो आप लोग कोई भी हैं, बताने का मकसद ये नहीं आपको डराना, बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को कम से कम आइडिया हो, आप आ रहे हैं तो ठीक है, आप लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, एंजॉय करें, बट अपनी जान माल का हिफाजत करें और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। अच्छा जी, तो अभी हम टेंट में हैं, रेस्ट कर रहे हैं और जनाब बाहर हो रही है बारिश, बारिश आपको दिखाते हैं, ये देखें बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और ये झुग्गी है जिसके अंदर हमने स्टे किया हुआ है, ये देखें जी, ला 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 ला, और ये है बाहर का व्यू, आप लोग व्यू एंजॉय करें। और हम बारिश से बचने के लिए ना यहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है, जब रुकेगी तो फिर हम बाहर जाएंगे। बड़ी मज़े की हवा आ रही है, और नॉर्थ में अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो रोडो रोड तो सारे ट्रैवल करते हैं, बट आप लोग ट्राई करें कि थोड़ा एक्सप्लोर भी किया करें, खाली ये नहीं होता कि आप गाड़ी में बंद हों और जाएँ घूमें फिरें, आप लोग थोड़ा इधर उधर जाया करें, थोड़ा वाइल्ड लाइफ वाली सीन किया करें, जंगलों में घूमा करें, लोकल के साथ इंटरेक्ट किया करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो बहुत मज़े की हवा आ रही है यहाँ पे, अब अल्लाह खैर करे टेंट में से पानी ना आ जाए, टेंट की हालत तो बड़ी पतली सी है, ये इसके ऊपर एक शीट लगी हुई है और ये ऊपर टेंट की एक चादर सी है और इसके नीचे ना ये कपड़ा लगा हुआ है। अब मेरे ख्याल में ऊपर वाला जो है वो वाटरप्रूफ है और उम्मीद तो है पानी नीचे नहीं आएगा। तो ये हैं हालात तो वाकई। अगर आप लोगों ने मेरी तरह ट्रैवल करना है तो उसके लिए ना एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि हिम्मत, हौसला और थोड़ी सी ना एडवेंचर तबीयत होनी चाहिए। आपको एडवेंचर अच्छा लगता हो, आप थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लें, क्योंकि कभी धूप, कभी गर्मी, कभी बारिश, तो इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अभी बार बारिश हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले लंच किया है, तो बारिश ख़त्म हो तो फिर आपको बाहर के नज़ारे दिखाएं, यहाँ से व्यू कैसा है। क्योंकि अभी अगर मैंने अपना कैमरा बाहर लेके गया, मोबाइल और कैमरा तो दोनों ख़राब हो जाएंगे। तो अब तकरीबन मुझे यहाँ पे हफ्ता होने वाला है, मैं नॉर्थ की साइड पर हूँ, बालाकोट और मनसेरा की बाउंड्री है तकरीबन वहाँ पर। तो अगर आप लोगों को कोई जगह पता है मनसेरा, एपटाबाद, बालाकोट, नारायण वाली साइड पे, कोई ऐसी यूनिक जगह जो आप लोग समझते हैं कि उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं वहाँ पे जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, आप लोगों के वहाँ की खूबसूरती है मैं वो दिखाऊँ। और ये है सीन, अब यहाँ पर मैं कितना अर्सा रहता हूँ, बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि आप यहाँ पे कितना अर्सा स्टे करेंगे, क्या सीन है, क्या, तो अभी भाई कोई प्लान नहीं है, कोई पता नहीं है कि मैं यहाँ पे कितना अर्सा रहता हूँ, बट जितना अर्सा हूँ आप लोग बताएं, जो भी जगह एक्सप्लोर करनी है मैं इंशाल्लाह जाऊँगा, वहाँ पे वीडियोस बनाएंगे और एंजॉय करें आप लोग। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।